ये अजीब बात है कि स्टेज पे जो हस्तियां मौजूद हैं उन्होंने पाकिस्तानी औरत को बोलना सिखाया, चलना सिखाया, बात करना सिखाया, अपने हकूक का इदराक सिखाया और अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। तो ये सब इन सब को आज के दिन की अहमियत मालूम है, औरतों के हकूक के बारे में पता है, मुझसे ज़्यादा पता है। तो इनके होते हुए मेरे जैसे आदमी से आप मुतालबा करें कि मैं कोई खुतबा वगैरह आपके सामने पेश करूं, ये कुछ अजीब सी बात मालूम होती है। बहरहाल ये मुझे इत्मीनान है कि मेरी पुश्त बहुत मज़बूत है और खैर दरवेश बढ़ जाने दरवेश कुछ कहना पड़ेगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि औरतों का बैन अल-अक़वामी दिन मेहनत का शवाम मेहनत ख़वातीन की इख्तरा था। मेहनत ख़वातीन ने इस दिन की बुनियाद डाली और एक तवील मुद्दत तक सोशलिस्ट नज़रियात के पैरोकारों ने और सोशलिस्ट ममालिक ने इस तहरीक की आबियारी की। अब ये जानदार तहरीक सारे मुल्कों में फैल चुकी है, सरमादार मुल्कों में भी फैल चुकी है, अक़वाम मुत्तहदा ने इसे अपना लिया है। लेकिन हमाम औरत की मेहनत का एहतराम और उसकी समाजी इंसाफ की जद्दोजहद ही इस दिन की जिंदा रवायात हैं। इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि दुनिया भर की मेहनत कश ख़वातीन को सलाम पेश करूँ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मेहनत कश ख़वातीन को, जिनकी मेहनत का अभी तक न मुनासिब अजर मिलता है न इसका एतराफ़ किया जाता है। मेहनत कश औरतों को सलाम, क्योंकि दुनिया भर की इक़्तिसादी तरक्की उनकी जद्दोजहद के बग़ैर मुमकिन नहीं थी। यूरोप के सनअती इनकलाब के बारे में तो हमें इल्म था कि इब्तदाई कारखानों में औरतें भारी तादाद में खून पसीना एक करती थीं, लेकिन जब हार्वर्ड जिनकी किताब अमेरिकी अवाम की तारीख नज़र से गुजरी तो पता चला कि अमेरिका की सनअत तरक्की में भी औरत का हिस्सा मर्दों से कम नहीं, और अमेरिकी औरत की जद्दोजहद तारीख एक रोशन मरक्का है। हम औरत के ममनून हैं कि जब नेल्सन मंडेला जेल में थे तो सोवियतों में आज़ादी की तहरीक औरतों ने ही जारी रखी। हमारी अपनी बुरी भली आज़ादी की तहरीक में औरतों का किरदार सबको मालूम है। लाहौर में सूबाई सेक्रेटरी के दरवाज़े पर मुस्लिम लीग का परचम किसी मर्द ने नहीं लहराया था, और ये इस बात के बावजूद के लाहौर के बुज़ुर्ग मुरब्बी दाता गंज बख्श ने अपनी किताब कश्मीर महजूब में औरत को बिला वजह तान दुश्नाम का निशाना बनाया और सारी खराबी का ज़िम्मेदार ठहराया था। हरचंद के सैयद अमीर अली ने 100-125 बरस अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ इस्लाम में ये दावा किया था कि मुसलमान माशरे में जो औरत का मकाम हासिल है वो उस मकाम से बहुत ऊपर है जो यूरोप में और कुछ दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान की रियासत ने शुरू दिन से औरत के साथ मुनासिब सलूक नहीं किया। दो एक मिसालें आपकी खिदमत पेश हैं। पाकिस्तान के आईन के बुनियादी हकूक़ के बाब में अक़वाम मुत्तहदा के आलमी इंसानी हकूक़ के एलानिये में दर्ज सारे हकूक़ दर्ज कर दिए गए हैं सिवाय दो हकूक़ के। उनमें से एक यानी आर्टिकल 16 है, जिसमें कहा गया है कि बालिग़ उम्र लड़कियों और लड़कों को हक़ है
कि वो अपनी मर्ज़ी से शरीक हयात के इंतखाब कर सकते हैं और दोनों को शादी के दौरान और शादी ख़त्म होने के बाद मसावी हकूक़ हासिल होंगे। आज तक पाकिस्तानी औरत का यह हक आपके आईन में दर्ज नहीं है और मजहबियत के जुनून में गुमराह अनासर सारे इंसानी हकूक़ मान लेंगे, लेकिन औरत का अपनी मर्ज़ी का शादी का हक तस्लीम करने और कम उम्र बच्चों की शादी के लिए ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर औरत है कि उसका जिस्म उसकी मर्ज़ी है तो बहुत से तलबों में आग लग जाती है। मुझे यकीन है कि जब अहमद शाह साहब 10 बरस बाद ऐसा कोई जैसा मुनक़द करेंगे तो उस वक्त भी पाकिस्तानी औरत अपनी शादी मर्ज़ी करने के हक़ के लिए लड़ रही होगी। दूसरी मिसाल, बुनियादी हकूक़ का बाब 1950 में मुकम्मल हो गया था। इसमें एक शिक थी कि औरतों को मर्दों के बराबर काम की उजरत बराबर मिलेगी, लेकिन जब 1956 का आइन मंजूर हुआ तो ये शक ड्रॉप कर दी गई। तो जनाब, पाकिस्तानी औरत से नाइंसाफ़ी का सिलसिला तो आपके आइन से शुरू होता है। हम सब जानते हैं, अब बहुत सी मिसालें अहमद शाह साहब ने दी कि पाकिस्तानी औरतों की अक्सरियत मेहनत कश है, खाँ वो घरेलू कलाम कही जाती हैं और अपने घर में मशक्क़त करते करते उसकी पिंडलियाँ सूज जाती हैं, या वो पानी में चावल की पनीर लगाती हैं, मवेशियों की देखभाल करती हैं। और ऐसे इलाके भी हैं जहाँ सारा काम औरत करती है, खेती भी चलाती है, मवेशी भी देखती है, खामों को खाना भी खिलाती है, बच्चों को पालती है। इसके अलावा भी दफ्तरों में काम करते हैं और कुछ ख़वातीन का उन्होंने जिक्र भी कर दिया। बस ये बताना लाजिम है कि जो कुछ उन्होंने हासिल किया है वो अपनी मेहनत से हासिल किया है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है, कोई हाथ नहीं है, बल्कि सरकार के बावजूद किया है। जो इतनी मेहनत अक्सरियत ख़वातीन के जो मेहनत कश हैं उनकी मेहनत को तस्लीम नहीं किया जाता, उसकी मालियत का हिसाब नहीं रखा जाता, उसका अदर देने की बात तो बात बहुत दूर की बात है। आपने देखा होगा इस दिन के हवाले से ख़वातीन मुख्तलिफ माशरों में अपने हालात के मुताबिक मुतालबात वज़ा करती हैं। यूरोप में एक ज़माने से तक फ्रेंचाइज एक इशू रहा कि औरतों को वोट देने का हक़ दिया जाए। इससे पहले कि पाकिस्तानी औरत के आज के मुतालबात के खुद के बारे में कुछ अर्ज़ करूँ, पाकिस्तानी औरत के हिस्से के बारे में चंद अल्फाज कहना चाहूँगा। यूँ तो पाकिस्तान की कोई हुकूमत औरत के साथ इंसाफ नहीं कर सकी, लेकिन मुल्क में मजहबियत के फ़रोग ने औरत की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर बना दी है। एक मिसाल देता हूँ, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में मुल्क वापस आईं तो लाहौर में एक फ़खरुल मिसाल इस्तकबाल के बाद उन्होंने वकाला का रुख किया। निसार उस्मानी जो सहाफ़ियों के इमाम थे, उन्होंने वकाला जाने का फ़ैसला किया तो हम भी साथ हो लिए। जुमे का दिन था, भाई फेरू पर नमाज जुमे के वक्त उस्मानी साहब लबे सड़क मस्जिद के जानेब रवाना हो गए और हम वैगन में बैठे हुए इमाम की तकरीर सुनने लगे। मौसूफ ने औरत की हुकूमत की सरबराही की ख्वाहिश मुस्तरद करते हुए फरमाया कि वो तो दूर की बात है, औरत अगर मस्जिद में आए तो उसको कहाँ जगह मिलेगी, पहले सफ़ में वो होंगे, दूसरे सफ़ में वो होंगे, तीसरे सफ़ में वो होंगे, चौथे में वो होंगे, पाँचवें में होंगे, और कहीं कोने में दरवाजे के पास औरत को खड़ा होने की इजाज़त दी जाएगी। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उस्मानी साहब नमाज जमात में शामिल हुए बगैर वापस आ रहे हैं। कहने लगे, मैं ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता जो औरत के बारे में ऐसे खुराफात इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में निसार उस्मानी जैसे नज़र सियाफ़ी पहले ही कम थे और अब तो और भी बहुत कम हो गए।
हम देख रहे हैं कि रियासत मजहबी इंतहा पसंदों के सामने सजदा रेज है। मजहब के नाम पर हर तरह की ज्यादती बर्दाश्त की जाती है। इनके धरने पर राष्ट्र को इसे काम लेने पर हर किसी की दस्तार फजीलत गैर महफूज हो जाती है। लिहाजा ताज्जुब नहीं कि औरतों पर हमले करने वालों को जबान बिगड़ने के साथ दहन बिगड़ने का एहसास नहीं होता। हमारी तहजीब थी कि औरत पर हाथ उठाने तो खुजा उसे दशनाम का निशाना भी बनाना मायूब समझा जाता था। अब आप देख रहे हैं कि एक बदजबान शख्स एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ कैसा जहर उगल रहा है। औरत मार्च पाकिस्तान में बड़ा मसला नहीं था, इसे बनाया गया है, लेकिन आप फिक्र न करें, औरत मार्च को कोई नहीं रोक सकता। ये जुलूस शहर शहर और करिया करिया निकलेंगे, क्योंकि वक्त औरत के साथ है। वक्त की गर्दिश में जुनूनी अफराद की तामीर को ही रेत की दीवार खल नहीं डाल सकती। और जो लोग वक्त के पहियों को रोकना चाह रहे हैं खासे बुजदिल भी हैं। इन्हीं के बारे में तो हमारी किश्वर नाहिद ने कहा था कि वो जो बच्चियों से भी डर गए। इजाज़त दें कि औरत के हकूक़ का और उसके मुतालबात का एक ख़ास पहलू आपके सामने पेश करूँ। मर्द के हकूक़ अमूमी तौर पर ज़ाती मनफियत के लिए हुकूमत की ख्वाहिश की तकमील के लिए होते हैं। औरत के हकूक़ की जद्दोजहद में भी ज़ाती मुनाफे का अंसर होता है, लेकिन गालिब जज्बा माशरे और इंसानियत की फलाह है। वो मर्जी की शादी चाहती है अपने और हमसफ़र की खुशी के लिए, मगर ये ख्वाहिश भी है कि मोहब्बत और आशिकी की फ़िज़ा में तरक्की और मसरत के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। औरत घर बच्चों की परवरिश में कलीदी किरदार तलब करती है, क्योंकि इस तरह ही नई नसर का की मुनासिब तरबियत मुमकिन है। औरत जंग के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो नहीं चाहती उसका शौहर या बेटा मैदान जंग में काम आए। और मरने वाला तो गम हयात से निजात पा लेता है, जंग और जदर का गमयादा तो उन बेवाओं को भुगतना पड़ता है जो हर तरह की तंदरुस्ती के बावजूद बच्चों की परवरिश करने पर मजबूर हैं। और पाकिस्तानी औरत क्या चाहती है? आज के दिन हम क्या मुतालबा कर सकते हैं? हमें क्या मुतालबा करना चाहिए? क्या हकूक़ होना चाहिए? एक सतर में कहा जा सकता है कि औरत अपनी ज़ात का बतौर इंसान एहतराम और अपने फिजिकल जीनियस की तकमील और इजहार का हक चाहती है, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसको बहुत से रास्तों से गुजरना पड़ता है। उसके लिए लाजिम है कि उसको जगह दी जाए। अभी हाल ही में ये तफ्तीश हो रही थी, तहकीक हो रही थी कि पाकिस्तान ने SDG का जो स्कीम है उस पर दस्तखत किए हुए हैं। उसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो ख़वातीन की तरक्की से मुतालिक है। अभी नई जो खबर आई है वो ये है कि आधे ममालिक जिसमें 2.1 बिलियन औरतें रहती हैं वो इस दौड़ में पीछे हैं। हम ये जानना चाहेंगे पाकिस्तान की इस दौड़ में पोजीशन क्या है, क्योंकि ये बताया गया है कि जो सारे अहदाफ हैं उसमें हम पीछे रह रहे हैं। और वह अहदाफ क्या हैं? एजुकेशन है, उसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, उसमें सिक्योरिटी है, उसमें सेफ्टी है और परसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल चीज़ें। तो हमें ये मुतालबा लाजम करना चाहिए कि जो SDG आपने किए हैं, फिर इसके एक ज़रूर मैं चूँकि मेहनत किशन से बात शुरू की थी, मैं चाहूँगा कि आप पाकिस्तान में जबरी मशक्क़त के खात्मे के लिए जद्दोजहद करें। आपके मुल्क में जो ग़ुलाम मजदूर है उसके साथ जो औरत रहती है वो भी ग़ुलाम है। वो ख़ुद ग़ुलाम नहीं बनना चाहती, लेकिन चूँकि उसका शौहर ग़ुलाम है उसके हवाले से वो भी ग़ुलाम है। और आप जाके थर में देख लीजिए, देखेंगे कि किस तरीके से औरत का इस्तेहसाल हो रहा है। तो ये मैं चाहूँगा कि आप अपनी सिफारिशात में अपने मुतालबात में जबरी मशक्क़त के खात्मे के लिए, और दूसरे ये कि जो औरतें फैक्ट्रियों में काम करती हैं उनको मुनासिब उजरत मिलनी चाहिए, उनका बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। और वो जो आपने ड्रॉप कर दिया था शिक्षक के औरत को मर्द के बराबर काम की
बराबर इज्जत मिलेगी, वो रखें। फिर आप ये देखिए कि अभी कल लाहौर में जो मुंतजमीन ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें क्या क्या कहा है, उसमें ये भी कहा गया है कि IMF की तबाहकारियों से बचाया जाए, फूड की जो प्राइसेस की इन्फ्लेशन है उसको कम किया जाए, ये सब यानी औरत जो है वो समाज के लिए और माशरे के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार है। इसमें और ये भी आपको देखना होगा कि आपके जो मुख्तलिफ शोबे हैं, आपके यहाँ मजाक हमारे यहाँ ये होता है कि एक दफ़ा हुकूमत ने कहा कि औरतों के लिए 5% कोटा मुख्तस है तमाम सर्विसेज में, जब वो कोटा पूरा नहीं हुआ तो ऐलान हुआ कि अब कोटा 10% कर दिया है, ना 5% पूरा हुआ ना 10% पूरा हुआ। आपका मुतालबा होना चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम शोबों में अफर्मेटिव एक्शन के ज़रिए से औरतों को जायज़ मकाम दिया जाए, उसमें मुकन्नना भी शामिल है, उसमें इंतज़ामिया भी शामिल है और उसमें अदलिया भी शामिल है। अब अदलिया में भी अगर आप ख़वातीन को मौका देंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी ख़वातीन जज होंगी और हाई कोर्ट में जो ख़वातीन जजों की तादाद में इजाफा किया जाएगा तो मुमकिन है इंसाफ और शायस्तगी के रवायात में कुछ इस्तक़लाल आ जाए। ये सब बातें इसलिए ज़रूरी हैं कि औरत के मंजिल को आप महदूद ना करें। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि इसका ये पौधा मैंने तो ख़वातीन ने लगाया था, तो उनके हवाले से और समाजी इंसाफ के हवाले से ये सारे जो अहदाफ हैं वो आपके सामने होने चाहिए। ये कि कैसे ये मुमकिन होगा और कब मुमकिन होगा, इसका फ़ैसला भी सिर्फ ख़वातीन कर सकती हैं, ये इसका फ़ैसला कोई दूसरे नहीं करेंगे। न सिर्फ ये कि रियासत पर तकिया करना मुनासिब नहीं है, बल्कि अपनी क़ुव्वत से, अपनी सोच से, अपने इस्तक़ामत से और सबसे बड़ी बात ये कि अपने इत्तेहाद से और एकानगत से। इख्तलाफ राय अपनी जगह पर हो सकता है, हम आपस में इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक होनी चाहिए और हमारा इत्तेहाद जो है वो कायम रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।